संडे एंड आज हम जा रहे हैं मुगल गार्डन। ठीक है, तैयार तो हम हो चुके हैं, ये तैयार हो रही, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो अभी बस निकल रहे हैं 10-15 मिनट में। ठीक है, और शूटिंग हम मोबाइल से करेंगे क्योंकि वहाँ पे कैमरे जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, बाइक से जा रहे हैं हम, पार्किंग का मेरे को कुछ पता नहीं है कि गाड़ी की पार्किंग, इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा था। फिलहाल तीन ऐसा चाय नाश्ता तो हमने करा नहीं है, बस चाय पी थी सुबह की। यह माशा तैयार हो चुकी है। माशा आपको पता कौन है? मोगली में जो आती बंदरी है वो है। क्या भाई हैं? अगर उससे ज़्यादा पंगे लेते ना तो कितना परेशान करती है, पता है ना? तो चलो ये बकलोलिया तो चलती रहेंगी, हम निकलते मिलते हैं आपसे नीचे जब बाइक निकालते। तो गाइस बड़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँच चुके हैं मुगल गार्डन। ठीक है, और अभी जा रहे हैं हम अंदर। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा रोड घुमा हुआ। हाँ, तो फिलहाल हम आपको अपनी बाइक नहीं दिखा सके जहाँ हमने पार्किंग पर लगाई है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एक घंटे से तो रोड पर घूम रहे थे क्योंकि इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है राष्ट्रपति भवन का, काफ़ी जगह से पुलिस वालों ने। तो चलो अंदर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, लाइन देखो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये थ्री व्हीलर हटेगा तो फिर दिखाता हूँ, देखो लाइन लगी है ना कितनी लंबी। तो चलो अंदर पहुँचता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, अगर कैमरा अलाउड तो ही पॉसिबल होगा आपको वीडियो में दिखाना। भीड़ देखो भाई साहब, ऑनलाइन लगा लो कभी, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। लाया आधार कार्ड? भाई साहब यहाँ से एंट्रेंस हो, वीडियो बनाना अलाउड तो होगा। अरे मुसाफिर, यहाँ पर मैप लगा हुआ है, इस हिसाब से आप जो ये मुगल गार्डन है घूम सकते हो। देखो भाई तुम हर बार गार्डन भी है, बहुत सही गार्डन भी है। यू आर हेयर, अभी हम यहाँ पे हैं। तो अभी बाकी के लोग जो हैं पीछे रह चुके हैं, वहीं से आ रहे हैं। दूसरा चेकिंग कहाँ हुई थी? एक ही तो चेकिंग हुई थी, पता नहीं दूसरी चेकिंग की तरफ। तो अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि हमारे जो तीन जने साथ में आए थे वो अभी हर्बल गार्डन में घुस चुके हैं। तो यहाँ पर आ चुका है हर्बल गार्डन, इधर ही हैं ये तीनों हर्बल गार्डन में। तो फाइनली गाइस जो हमारे तीन जने खोए थे वो मिल चुके हैं। पता नहीं उनको ऐसी कौन सी जल्दी हो गई थी कि बिल्कुल ही कॉर्नर पे आके खड़े हो गए। देखो मैं आपको दिखा, देखो वो खड़े। ये पहला आता है हमारा हर्बल गार्डन, पहले शीशम था बल्कि, वो हर्बल कैसे आ गया? शीशम देखने नहीं दिया, तो पोपट हो गया, हमने शीशम तो देखा ही नहीं। कहाँ से एंट्री है? यहाँ से एंट्री है, इधर से। तो यहाँ पर बड़ी तगड़ी वाली लड़ाई हो चुकी है, मारपीट चल रही थी। तो यहाँ पर झाड़ियाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आज हम संडे को झाड़ियाँ देखने आए हैं, सफेद रंग के फूल। ये झाड़ियाँ हम संडे को देखने आए हैं छुट्टी करके, देख सकते हो। ये हमारे बाकी के प्राणी जो हैं मिल चुके हैं। ओए लेकिन मस्त जगह है ये, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। ये कनॉट प्लेस का खेत है राष्ट्रपति भवन में, जब मोदी जी की फसल है जैसे कि आप देख सकते हैं। हेलो मेरा देखो जो हमारे मंत्री है कहाँ है वो तेरे सामने इतने सारे का। ये वही हेलो मेरा जो हमारे घर में उगाया जाता है, और आपको फेस पे लगा रही थी जो मैं अपने फेस पे लगा रही थी रात। हाँ, रात वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें लगाया था। ये संडे की छुट्टी करो, आगे मेरे को खेत दिखवाने लाइए। मैं टिकट किसने खरीदी? खुद ही बोल रहा था ये बंजर भूमि। इससे अच्छा तो मैं आगरा चला जाता आज। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका नाम आपको दिखाता हूँ मैं, ये है गूगल, गूगल है इधर भी है।
कहाँ है वो रहे? ये बरगद का पेड़ है यहाँ पे। यहाँ पर हर चीज़ पैक करके रखी गई है और हर गार्डन के आगे इन्होंने क्यूआर कोड लगा रखे हैं, जो कि आप स्कैन करके चेक भी कर सकते हो कि कौन से पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। और यहाँ पर लगा रखे हैं, ये क्या है? ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास है। और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं वीडियो कैसे लगी है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलें और देखते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद हमें आज मौका मिला घूमने का, तो हम आज आए, सोचेंगे अगले हफ्ते फिर कहीं और जाने का, ठीक है? फिलहाल तो ओवरटेक करते हुए आगे जाना है हमें। क्या है? एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं यहाँ पे। एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं यहाँ पे। हाँ, ये सारे। देख। देसी। फिकस ब्रेड। हर प्लांट के आगे इन्होंने बैचिंग कर रखी है। पील खान। कुछ नाम लिखा है। तो आप लोग भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो और अच्छा आपके साथ मतलब कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्यों भाई? डेड प्लांट यार, इस प्लांट का ना मुझे नाम नहीं पता था और आज पता चल गया। डेड प्लांट काफ़ी अच्छा होता है। पिकस ये ना सबके नाम भी लिखे हुए हैं, ये जो अलग से लिखा हुआ है ना सोल्जर्स के हैं शायद, है ना? फोटोज वोटो फालतू भी क्लिक नहीं करते भाई, वीडियो जब बन रही है तो। हाँ, क्या हो गया? अब कहाँ जाना है? अब यहाँ जाना है। ये बनिया एंट्री है, ये होगा, ये भी तो है, सूख गया है। रुक जा, पहले वीडियो बना लो यहाँ। एकदम मस्त नज़ारा आता है। अभी हम यहाँ पे फुहारे वगैरह जाते हैं, अच्छे से देख लिया, अब हम जाएंगे बिल्कुल सीधा। अच्छा, ये सॉन्ग बेस पे चल रहा है, जैसे जैसे गाना चल रहा है वैसे वैसे बजे। हाँ, चले आगे। हाँ, मज़ा तो है। चलो आओ, अब यहाँ से एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। चले,
तो ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर इन्होंने गार्डन बना रखा है राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने ही। देखो मस्त लग रहा है ना। तो ये यारी अंदर जाना अलाउड नहीं है। और यार ये इतना बड़ा गोल पेड़ कौन बनाता है बीच में? ऊपर कौन चढ़ा होगा? सबकी मशरूम कट कर रखी है। ये देखो इसी को देख लो गंजे को। चले चलो यहाँ पर लिखा हुआ है घास पर चलना मना है। हाँ पर्पल की बहुत पुरानी जोड़ी हो गई है पूरी ऊपर तो ये रहा पर्पल ट्यूलिप छोटा सा फुवारा फुवारा देखो कितना छोटा था। नहीं ठीक है करता रहूँगा लाया था उसने गुफा हाँ जूम हो जा अलाउड नहीं है वहाँ पर जाना। तो फाइनली आ गया हमारा राष्ट्रपति भवन। चला जा कितने मजे इन लोगों के रोज हरियाली में खड़े रहते हैं। यह है सारू। ये कैसा सारू है? चल ठीक होगा चले।
उधर देख ये क्या चल रहा है। अरे देखते ही गोली मार देते हैं, बाहर निकलो। हेलो इधर चल, क्या कर ले, कैसे एक लाइन में ऐसे लग रहा है मार्च कर रहे हैं। हां एक लाइन से खड़े हैं। हां कोई भी टेढ़ा कर रहा है। अंग्रेजों ने बनवाया था ना, पता नहीं हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। मुगल ने शायद, तभी मुगल गार्डन बना। क्या हो गया? हम अपने घर वालों से फिलहाल के लिए बिछड़ चुके हैं। अभी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और हम कहाँ घूम रहे हैं, बट हम पीछे हैं, उनसे इतना पता है। ये किस तरीके का कैक्टस है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस है, छोटे छोटे बड़े बड़े। राष्ट्रपति भवन। तो फाइनली हम एग्जिट ले रहे हैं अभी, और ये कुछ एग्जिट के टाइम पे की वीडियो है, और यहाँ से हम एग्जिट लेंगे। वैरायटी ऑफ रोजेस, प्रेग्नेंट रोजरी, यहाँ पर रेड है, उधर पिंक है, फिर यहाँ पर वाइट है, और यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर डार्क पिंक है, जो ओरिजिनल रोज होता है वो है, ये तो शादियों में यूज़ होता है। और ऑरेंज के पेड़ छोटे छोटे, हाँ नींबू के पेड़ भी लगे हैं यहाँ पे, देखो। चला शाम के टाइम तो मज़ा ही आ जाता होगा। और ये गाइड्स होते हैं जो आपके पूरी नॉलेज देंगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। सनफ्लावर भी लगा हुआ है यहाँ पे, देखो। मेरी फोटो खींचा ये कैसा फ्लावर है? आइस बर्ग का नाम गया था यहाँ, मस्त लग रहा है यार। आ जा मधुमक्खी थी कटा ठीक है। अरे आंटी अभी वीडियो बनाएंगे। रेड सालवा, रेड सालविया, यहाँ पर आता है लेमन और येलो का कॉम्बिनेशन है ये, रोज लॉन्डारा है, लैंडोरा पता नहीं क्या, वहाँ पर पिंक कलर के रोजेस हैं, यहाँ पर रेड है। तो वहाँ से एग्जिट होने के बाद हम आए हैं। इस पूरे पार्क में बस ऐसे ही है, फ्लावर ही हैं। भाई आपको दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे एग्जिट पर। ये देखो बस हम यहाँ से आप एग्जिट कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा एग्जिट पर, ठीक है? तो चलो चलो एग्जिट आ गया। तो बस गाइस ये इतना ही था, आपको पूरा हमने एक्सप्लोर करवा दिया, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हम कहीं रुकते हैं तो बीच में जरूर दिखाएंगे, वरना फिर वीडियो को नहीं एंड करते, ठीक है? बस ये मैं नहीं कहता हूँ, वहाँ से हमने एग्जिट किया था, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। खाने पीने का भी होगा यहाँ पर स्टॉल कुछ, और तो कुछ नहीं है। फूड कोर्ट है, उसको फ़ोन तो करूँ पहले, कहाँ है वो? फाइनली सूजल भी हमको मिल चुका है, और कहाँ गया अभी तक तो था यहीं पर। ये लिखा हुआ है द प्रेजिडेंट,
हाँ, द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। चलते मंदिर। तो गाइस यही था वो गेट नंबर 35, जिसके लिए हम 1.5 घंटा से, कितना 1 घंटा से घूम रहे थे रोड पे।